हेलो फ्रेंड्स, आप में से आज बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस थे वो इगराशी मोटर्स लिमिटेड के बारे में थे। हालांकि देखिएगा, इगराशी मोटर्स लिमिटेड के बारे में मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ और अभी तक मैं इसकी एक्चुअली फाइनल स्टेज पे नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी उत्सुक है और कुछ हमारे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं या जो व्हाट्सएप के ऊपर हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर ये इगराशी मोटर्स के अंदर क्या हुआ। देखिएगा, इगराशी मोटर्स जो है वास्तव में एक ऐसी कंपनी है जो जनरली गाड़ियों में लगने वाली डिफरेंट टाइप्स की जो है ना मोटर्स को बनाती हैं, और ये कंपनी जो है वास्तव में एक जापान के जो है मेन प्रमोटर्स हैं और उसमें साथ में जो है इंडियन प्रमोटर भी जो है इसके अंदर होल्ड करते हैं काफ़ी शेयर्स। तो अभी इगराशी मोटर्स ने क्या किया है कि इसके अंदर जो हम रिसर्च कर रहे थे तो दो चीज़ देखने के लिए आई कि इन्होंने कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है इनकी होल्डिंग जब 75% से ज़्यादा हो गई थी तो इन्होंने जो अपनी होल्डिंग को कम करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे पिछले साल। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमें बहुत बेहतरीन जो है इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगी देखने के लिए, और जो इनके जो जैपनीज पार्टनर्स हैं यानी कि जो जैपनीज ही आज की डेट में कंपनी है, जो चेन्नई बेस्ड ये कंपनी है, इसको बहुत बेहतर तरीके से जो है अभी तक हमें जो रीड किया तो काफ़ी अच्छे से जो इसको मैनेज जो है किया जा रहा है। तो कंपनी जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है और करीबन जो डिविडेंड है 20-25% के बीच की जो अर्निंग्स हैं ये डिविडेंड के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये जो शेयर है कभी 2017-18 में करीबन 800-900 रुपीस के आसपास जो है ये शेयर ट्रेड करता था। और इसके अंदर जो अब ये जो तेजी बनी है इसका मुख्य कारण क्या है, इसके अंदर जो कंपनी के MD थे, कंपनी ने उनके साथ जो उनके जो स्टेक्स हैं उसको खरीद लिया है, और इनके साथ एक जो है वो उनके साथ जो भी स्टेक खरीद लिया, तो ऐसा इन्वेस्टर कम्युनिटी में ऐसा लग रहा है कि प्योरली जैपनीज कंपनी हो गई। तो यहाँ पर जब ये प्योरली जब जैपनीज कंपनी आपको लगेगी तो जो जैपनीज लोग हैं उसके ऊपर जो इंडियंस है वो काफ़ी विश्वास करते हैं, और ऑटो एंसेलरीज या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर जैपनीज का जो है लोहा माना जाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले के अंदर जो है जैपनीज कंपनियाँ बेटर होती हैं, उस वजह से जो है इसकी तरफ पहला जो है रुझान बना है। और दूसरी बात, जो MD है वो शायद जो है कम्पिटिटिव बिजनेस कुछ नहीं करेंगे जो इगराशी मोटर्स करती है, तो वहां पर भी एक एडिड एडवांटेज जो है देखने के लिए मिल रहा है। अब जो यहां पर जो बात निकल कर आई है वो तो सब ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके फंडामेंटल बेसिस पर भी बात करेंगे तो अभी बहुत जो वैल्यूशन है अभी भी इन प्राइजेस पर बहुत ज्यादा रिच नहीं हुए हैं, और जिस तरीके की कंपनी की परफॉर्मेंस है, कंपनी की जिस तरीके की क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, और जो इनके मेजर क्लाइंट्स हैं बेसिकली जो मोटर्स के अंदर जो है काफ़ी जो गाड़ियाँ बनाने वाली जो कंपनी है मोस्टली इसके जो कस्टमर्स हैं, और जो ई व्हीकल्स हैं उसके अंदर भी ऐसा माना जा रहा है कि जो इनके मोटर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर ये कुछ रीजन्स हैं, और कुछ ऐसे भी रीजन्स देखने के लिए मिल रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ऑटोमोबाइल्स में जो है रिकवरी आ सकती है, तो उसके जो अर्ली साइन हैं रिकवरी के जो है एक्सपर्ट्स लोगों को दिख रहे हैं। इसी वजह से जो इस तरीके की जो कंपनियां हैं स्मॉल और मिड कैप के अंदर जिनकी काफी अच्छे तरीके से पिटाई हो गई थी वो शेयर्स जो है रिकवर होने की फिराक में है। लेकिन यहां पर जो इसके जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं वो वास्तव में कल किसी टीवी चैनल के ऊपर इस शेयर्स को जो है कवर किया गया था, और वहां पर इसके बारे में जो ये सारी बातें जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इससे मिलती जुलती जो बातें हैं, और इस शेयर्स की काफी तारीफ की गई थी। अब ये जो शेयर्स है इसके अंदर जो वॉल्यूम है जनरली कम होता है, तो कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए आता है कि जो स्पेकुलेटर्स हैं वो इस तरीके के जो है प्ले करते हैं, और कल भी ये शेयर्स काफी अच्छी तेजी में था और आज फिर दोबारा से तेजी है। तो जो लोग शॉर्ट खेलते हैं, क्योंकि अगर एक दिन शेयर ऊपर चला गया तो जनरली लोग सोचते हैं कि इतना ऊपर हो गया तो शॉर्ट खेलते हैं, तो वो शॉर्ट जो है उसी दिन शाम को कवर करने पड़ते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो सारा माहौल जो है इसके लिए बढ़िया बना है। और जो बीएससी ने और एनएससी ने जो है इगराशी मोटर शेयर स्पाइक्स जब 12% ऑन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द वॉल्यूम स्पाइक, और यहाँ पर एक वॉल्यूम स्पाइक के लिए भी जो है मांगा था, और इगराशी मोटर्स ने कहा जी हमारे पास कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है जो पेंडिंग हो, और दिसंबर 24 को जो है इंट्राडे जब 12% चला गया था तो एक्सचेंजेस ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि कोई ऐसी तो नहीं है कोई अनाउंसमेंट जो पेंडिंग पड़ी हुई हो, तो ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट से कंपनी ने मना कर दिया कि इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है। तो देखिएगा, वैसे तो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी लग रही है, अभी तक हमने जो प्राइमा फेसी देखी है वैल्यूएशन, हालांकि पी रेशियो जो है 20 से ऊपर चले गए हैं इसके, और अब अगर जैपनीज पार्टनर इसके अंदर आता है और जो कंपनी के MD है वो नॉन कम्पीट करेंगे, अगर कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे तो उनके स्टेक को इन्होंने ले लिया है, डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छी है, ग्रुप अच्छा लग रहा है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो अभी स्लो डाउन को फेस कर रही थी, हो सकता है स्लो डाउन खत्म हो जाए,
और डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स जो है बनाते हैं। अगर इनकी जो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उन सभी पैरामीटर्स पे जो है कंपनी अच्छी लग रही है। लेकिन मैं इन्वेस्टर्स के लिए एक ही बात बोलूंगा कि इन्वेस्टर अगर आप हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा जब ये कूल डाउन हो तो इसे शेयर्स को लिया जा सकता है। अच्छी कंपनी है और क्योंकि इस तरीके का ऑटोमोबाइल्स के बगैर जो है कंट्री ग्रो नहीं कर सकती और ये ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाते हैं उसमें एक बेहतरीन कंपनी जो है ये लग रही है। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जो है एक्युमुलेट तो किया जा सकता है लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि ये स्पेकुलेशन वाली एक्टिविटी है, ये वास्तव में कंपनी के अंदर कुछ बिल्कुल टर्न अराउंड हो रहा है। हालांकि कंपनी ने जो प्रमोटर से जो शेयर्स लिए हैं वो करीबन 280 के आसपास जो है माना जा रहा है कि वो डील हुई है। तो वहां से अगर आप देखें तो अभी जो है 15-20% जो है ऊपर आ चुके हैं शेयर्स। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए यहाँ पे या यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। तो सिंपल सी बात यहाँ है कि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके लिए तो ऐसा है कि थोड़ा सा जो है इसको मैं वेट एंड वॉच में ही रखना पसंद करूंगा और जो ट्रेडर्स हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस लगा के जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो हालांकि वॉल्यूम जो है परसों जब मार्केट खुलेगी तो हो सकता है तेजी से देखने के लिए मिले। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने तुरंत जो है जवाब दे दिया है जो है वॉल्यूम्स जो है बढ़े हुए हैं, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कुछ हो सकता है स्पेकुलेशन एक्टिविटीज हो सकती हैं क्योंकि सिमिलर टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमने ब्रेन इंडस्ट्रीज के अंदर भी देखा था कि वो दो बड़े सर्किट लगे थे और फिर वहां पर जो है स्पेकुलेशन करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना माल ऑफलोड कर दिया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी ऐसा हो जाए क्योंकि कुछ स्पेकुलेशन की वजह से शेयर ऊपर आ गया है और वहां पर जो है थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। और उसके एक रीजन और भी है कि इस कंपनी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा ओन करते हैं, 10% के आसपास की जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड्स के पास है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया जैपनीज जो पार्टनर होता है तो उन पर जनरली हमारी जो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री है वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट और कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है, ग्रोथ है। तो उस वजह से हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स भी जो है थोड़ा बहुत माल ऑफलोड करें। तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है थोड़ा वेट एंड वॉच में रखें। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अगर चाहें तो वो अपनी पोजीशंस बना सकते हैं क्योंकि वो तो वास्तव में जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से ही जनरली ट्रेड करते हैं। तो ये जो वीडियो थी ये इगराशी के बारे में, और इगराशी के बारे में जो डिटेल फंडामेंटल स्टडीज के साथ जो है मैं आपको जल्द ही जो है उसके ऊपर वीडियो आपको दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।